हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। मैं देख रही हूँ कि और आ तो नहीं रहे हैं, और आज मैं अच्छे से तैयार हूँ। सो आज हम जा रहे हैं रामपुर, मतलब बहुत खुशी। लास्ट नाइट देखो, इतना वेदर ख़राब होने के बावजूद बर्फ भी पड़ गई और धूप भी आ गई। आज तो हम आज जा सकते हैं नज़दीक वाले रास्ते से, उधर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कल, पता है। दिस इज माई ओ टी टी डी, जो भी है ओ टी डी। इस रूम में आके तो मैं ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ, और ना अभी मैं रोहित को बताऊँगी, जो कि इतना सुंदर दिख रहा है ना, वल्ला वल्ला। ये तो कंबल ही लग रही है। मम्मी चौक कहियो भाभी, हम लोग सारे जा रहे हैं रामपुर को। ये मेरे साथ कंबल में भाव। जाने से पहले हम लोग यहाँ पे पूजा वगैरह भी कर रहे हैं, और मैं बता रही थी ना रोहित, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मेरा पूरा ड्रेसिंग सेंस है जो मैंने बनाया, मतलब दूर जैसे खड़ू मैं दिखाऊं, मस्त लग रहा बहुत। हो सच में, सही बात है? सही बात गाइस, हालत ख़राब होगी। सब इतने सारे बैग्स उठाए हुए हैं ना, क्या ही बताएं। इवन रोहित की पीठ में भी है, पापा मम्मी जो भी है, टू जेड जेड पे तू से जो मांगती है ना वो दे देता है। सही बात, ये ऐसा देता बरदान में पानी में भी भर देता है। देरा वाला तो करे। मस्त लगे। हम लोग अभी आधे रास्ते में क्रॉस कर लिया, मेरी तो सिटी पिटी गुली सी भी होगी अभी, तो हमको पता नहीं 200 किलोमीटर चलना है। चलना नहीं, गाड़ी में ट्रैवल करना 200, मतलब सेकंड टाइम मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ। मतलब लास्ट टाइम मैंने हरिद्वार किया था, इस बार सीधे रामपुर, मतलब दूसरा मतलब लंबा टूर है। वैसे रामपुर से भी काफ़ी दूर है ना, प्रॉपर रामपुर भी कहाँ, थोड़ा उससे भी आगे। तो आप लोगों को हम रामपुर ले जाएंगे, जिस जिसने रामपुर नहीं देखा वो मेरे साथ आज देख लेना। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इसलिए आज मैंने ट्राईपॉड भी डाला है, पूरी सेटिंग वेटिंग कर रही हुई मैंने, थक गई। नमस्कार। ज़्यादा नहीं, ये कौन से रिश्तेदार लगते हैं हमारे। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आधा रास्ते पे, हम लोगों ने कवर नहीं किया होता, देखते हैं पीछे पता है मेरे को बैक पीछे। अभी हम लोग ना जिब्बी से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे, मतलब थोड़ा सा भी स्टार्ट ही किया हम लोगों ने। अभी हम डेक वगैरह देख रहे ताकि वॉल्यूम क्या गाने वगैरह चल रहे, क्योंकि ये वॉल्यूम इसका तुच्छ है। लड़कों का ठीक है, जहाँ मर्जी भूत क्या जाओ। दिल में कोई इस तरह। ओ भाई,
वॉशरूम मिला और इतना एंटीक बाथरूम मिला ना, गाड़ा कुछ नहीं पहुँच के। मतलब लॉन्ग ट्रैवल भी है कि वॉशरूम के लिए बड़ी दिक्कत आई है भाई। बाकी हम सब कुछ सहन कर सकते, पर वॉशरूम में इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना मेरी, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। और मैं पहले वॉशरूम कितना एंटीक मिला था हम लोगों को, ठीक है, पंचायत वालों का वॉशरूम बहुत ठीक है। प्लीज़ यहाँ की पंचायत को बोलो ये वॉशरूम ठीक कर दे प्रभु। पर ठीक है यार, ज़रूरत के टाइम सब कुछ, ज़रूरत के टाइम किसको बनाना पड़ता था, बाप गधे हो गए, बाप बनाना पड़ता है, ये सिस्टम हो गया। अच्छा कुछ खाते पीते हैं। हम लोग इतनी भूख आई थी, हम लोगों ने मोमोज, इन तीनों ने मोमोज मंगवाया और मैंने छक्का। विशु सीएम गला का तेरे को पता नहीं है, ये हम एक बाइट लेते हुए, पता नहीं वनीला भी नहीं है, स्काई ब्लू कलर आ रहा है इस पे, आई डोंट नो डुच्ची जैसी कहीं की। अभी हम लोग गाड़ा गुशहरी से भी निकल पड़े हैं, मतलब वो आगे और एक पीछे दिखी नहीं रही, पीछे वाली आगे वाली तो दिख रही है। इवन अभी तक बर्फ है और इतना मस्त है ना ये व्यू, ओ भाई मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये देखो और हम इस गाड़ी को आज पीछे छुड़ाने वाले हैं, ये हमारी गाड़ी न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर ही तो बोला, क्या बोला मैंने, क्रिसमस होए तो न्यू ईयर के बीच में आता होगा वो अभी, और क्रिसमस 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 आपने कल किया फोटो की जवाब किया पे है ना, आप मेरा शहर आने बन जाना इधर मारे को मैं भी जो बुला रही था। गाड़ी को नीचे पीछे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया, ओ भाई साहब व्यू, गाइस इधर पे ना व्यू बहुत ज्यादा मस्त है। तेरी पैंट भी खराब है, गीला पैंट होगी तेरी, खराब और पीछे भी है मेरी, तेरी भी नीचे से यार। अच्छा नीचे से नहीं उतरी, जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था और अब हम जा रहे हैं। और व्यू भाभी और भाई ये व्यू खतरनाक ऑसम मस्त लग रहा है ना, हेवन की तरह फील ले रहा है ये। मेरा फोन मारा ब्लर, वो मारे वाले बंदे चले गए आगे है ना, हेवन 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 इतना। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए शवाड़ में जो कि रामपुर से थोड़ा आधा रास्ता हमने कंप्लीट करा। अब ये पीछे खाओ खाओ भाई आप, हमने नहीं खाने भाई खाओ। और ये हम सब यहाँ पे हमारी हालत खराब होते हुए वो खाओ थोबड़ा बता दे यार, नौकर 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 कैसे खिलाएगा ये तेरी वो है दासी 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 लगी राजा को कुटने। अभी हम लोग ना पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे और गाड़ी का वेट कर रहे हैं, हमारी तीनों गाड़ी का, तभी अभी बैठे हुए हैं बस यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने। इस बार ना हमने गाड़ी को आराम करवाने के लिए रोका है ना, रोका नहीं रोका है ना, आराम करवाने के लिए रोका है। फोटो लो आरे मेरा, फोटो लो मेरा। देवनाग है ना नीचे गुफा जैसे में वो मंदिर ना, आगे हमें यहाँ पे
सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर में, रामपुर के ना रामपुर से भी आगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे, इंदौरी तक ही जा रही हूँ मैं, नोर में जहाँ की हमारी ननन जी का घर है जी। इधर ही मैं बस इधर ही जैसे बस खड़ी हूँ और ये पता कैसा सीन है कि भाई जैसे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, सेम वही फील आ रही, मेरे को ऐसा फील आ रहा था जो हमारा मतलब कि हमारी साइड वाला इलाका नहीं है जहाँ पे मेरा घर है, सेम वैसा थाची पंजाई वाला सीन आ रहा था समझ में, पहाड़ पहाड़, बस बीच में जो मैंने बर्फ़ वाला रोड बताया ना वो था ऐसे करने वाला सीट, और मैंने बीच में अपनी उंगली भी तोड़ दी गाड़ी का वो दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में, अंगूठी उसके बीच में डाल दी और बीच में पड़ गया छेद, छेद तो क्या थोड़ी बहुत लगी, ज़्यादा तो नहीं। और अभी हम लोग ना यहाँ बाहर ऊपर वेट कर रहे हैं, गाँव से थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे जाएंगे जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे धान के रोपे हैं, और ये तो मेरे को चलो मंडी से आगे भी दिख जाएंगे इसे, बट बाकी सेम है, मतलब कुछ खास नहीं है रामपुर में वैसे उतना भी, पर हम रोड वैसे शॉर्टकट रोड से है, अगर हम जो मेन रोड था उसमें तो शायद थोड़ा कुछ अलग दिख ही जाता है हमको। और यहाँ पे पीछे सब लोग ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे मम्मा रोहित और विशु और एक भैया,